क्या मेडिसाइलिक क्रीम गोरेपन का क्रीम है? मेडिसाइलिक क्रीम को कब, कैसे, कितना दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका चेहरा खराब ना हो? क्या आपका स्किन ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है? क्या है आपका स्किन का नेचर? आज हम बात करेंगे मेडिसाइलिक क्रीम के बारे में। टॉर्क कंपनी का बहुत अच्छा क्रीम है, कीमत सिर्फ 150 रुपया, 150 रुपीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरंजन कुंडू, आपका हम सफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे मेडिसाइलिक क्रीम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका बारे में आपको डिटेल्स और जानना है तो प्लीज हमारा और दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, इसमें बहुत अच्छा जानकारी दिया हुआ है। देखिए, जिसका ऑयली स्किन है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगा सकते हैं। लेकिन जिसका ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए टेस्ट डोज लेना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे भाई टेस्ट डोज क्या है? आप थोड़ी सी मात्रा में मेडिसाइलिक क्रीम आप हाथ का इस जगह में लीजिए और आधा घंटा तक एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए, अगर इस जगह कोई लालीपन आ गया है, खुजली आ गया है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ गया है, तो आप समझ सकते हो ये क्रीम आपके लिए सूट नहीं करेगा। अगर आप देख रहे हो जो स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप सोच रहे हो जो ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरी कंडीशन, आप लगाने का आधा घंटा बाद अगर आप देखते हो जो दूसरा जगह और इस जगह में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, तो आपको बहुत अच्छा सूट कर गया है। जिसको ड्राई स्किन है इसके लिए ये थोड़ा देख के इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सेंसिटिव स्किन है इसके लिए तो टेस्ट डोज बहुत ही कंपलसरी है। तो जहां तो गोरेपन का सवाल है, तो इसमें सैलिसाइलिक एसिड बोल के एक कंपोजिशन दिया हुआ है, उस इंग्रेडिएंट के चलते जो लाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। जैसा उस स्किन में आप लगाओगे तो आपको थोड़ा सा गोरापन लाइटिंग नजर आएगा। लेकिन ये डर्माटाइटिस या इजिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितना दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाता है उसके बाद ये छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर इसको 7 दिन के लिए लगाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर आपको उससे भी ज्यादा दिन लगाना है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब बेस्ड मेडिसिन है। अभी आता है जो भाई आप छोड़ने का क्या स्टाइल है। जैसे आपने लगाया, आपको जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसके बाद आप एवरी ऑल्टरनेट डे में लगाइए। और ये लगाना है रात में, थोड़ी सी मात्रा में लगाना चाहिए। सनलाइट या दिन में ये लगाना नहीं चाहिए। सनलाइट में अगर एक लगाओगे, बहुत सारे लोगों को सनबर्न का समस्या हो जाती है, खुजली हो जाता है, दाना निकल के आता है, ब्लैक स्पॉट ज्यादा से ज्यादा गहरा हो जाता है। तो इसीलिए इस क्रीम को नाइट में लगाइए, रात में लगाइए। पहले फेस को अच्छा तरह से धो लीजिए, उसके बाद थोड़ी मात्रा में क्रीम जिस जगह में प्रॉब्लम है उस जगह में लगाइए। सुबह उठ के कोई माइल्ड साबुन या एलोवेरा जेल से, या कुछ भी ना मिले ठंडा पानी से थोड़ा सा गुलाब जल उसमें मिक्स करके आराम से फेस को धो लीजिए। फिर आराम से राब मत कीजिएगा, फिर पोंछ लेना है। फिर आप देखना, आपको इसका बहुत अच्छा असर देखने को लग जाएगा। अभी कुछ लोगों को ऐसा है जो भाई ये लगाने का काफी दिन लगा लिए है, उसके बाद छोड़ दिए है तो ब्लैक स्पॉट आ गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप थोड़ी सी पानी लीजिए, एक कप में जितना पानी लिया उतना मात्रा गुलाब जल डालिए, फिर दोनों को मिक्स करके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसको अच्छा तरह से लगा लीजिए 10-15 मिनट के लिए, फिर ठंडा पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे एक ब्लैक स्पॉट ठीक हो जाएगा। अगर उसी से भी ठीक नहीं होता है तो आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर आपको लगता है ये थोड़ा थोड़ा पिंपल्स ज्यादा हो गया है, एक्निस्टार जेल इसके आप देख लीजिए, ज्यादा अगर पिंपल्स हो गया तो एक क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको हमेशा इस टाइप का स्किन क्रीम लेने का पहले टेस्ट डोज लेना बहुत कंपलसरी है, ये ध्यान में रखना। कोई भी क्रीम आप खास करके फेस में लगा रहे हो तो स्किन में एक बार टेस्ट डोज ले लेना चाहिए। आशा करता हूं आपको इस बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गया हो। फार्मासिस्ट कुंडू जी को सब्सक्राइब करें, और आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। हमारा और एक चैनल है हेल्थ रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज उसमें जाइए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।